हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप तुम सबने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज वाली वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो जाके देखाओ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तुमने पढ़ना शुरू किया तो तुम्हें ऐसी जगह से पढ़ना है, ऐसी बुक से पढ़ना है, ऐसे टीचर से पढ़ना है जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर सके। देखो, एक बात तो समझ लो कि इकोनॉमिक्स में ना रटने वाली तो कोई बात है नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम चीज़ों को रट के एग्जाम दे आओगे, ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर तुमने रटने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो। तो सबसे पहले तो कोई ऐसी बुक देखो, और दो बुक बहुत फेमस है और हर स्कूल में यही लगवाई जाती है, संदीप गर्ग और टी आर जैन। कोई भी बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है सारी। मेरी प्रेफरेंस रहेगी संदीप गर्ग। तो मर्जी तुम्हारी है, जिस बुक से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना उस बुक से पढ़ो। जिस टीचर से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं उसी टीचर से पढ़ना, और एक ही चीज़ पर टिके रहना। ऐसे नहीं है कि तुम तीन चार बुक्स को उठाना है और उस बात को पढ़ रहे हो, उस चीज़ों को पढ़ रहे हो। देन नेक्स्ट जो चीज़ आती है इकोनॉमिक्स में ध्यान रखने की, डायग्राम्स और टेबल्स। देखो, इकोनॉमिक्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, डायग्राम्स और टेबल्स। तुम्हें चीज़ों को समझना होता है डायग्राम के थ्रू, और फिर प्रेजेंट भी करना होता है। तुम्हें अपने एग्जाम में टेबल्स भी बनानी होती हैं। डायग्राम्स तुम बना के आओगे तो डायग्राम्स और टेबल्स पे ध्यान देना तो ज़रूरी है। और हर एक चीज़ ना डिटेल, हर एक पॉइंट तुम्हें मेंशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है तुमने बना दिया और खाली छोड़ के आ रहे हो, ये नहीं होता। डायग्राम को एवरी सिंगल जो डिटेल है उसके साथ अच्छे से मेंशन करके बनाओगे तो तुम्हारे मार्क्स पूरे मिलेंगे और इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है अगर तुम डायग्राम और टेबल बना के अपने जो क्वेश्चन है उसको प्रेजेंट करते हो, और इस चीज़ से तुम्हें समझ भी जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होगा जो तुम्हारे ग्राफ है। बहुत सारे ग्राफ्स होंगे तुम्हारे माइक्रो में, मैक्रो में। अब उन ग्राफ के पीछे का रीज़न क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये नहीं है तुम ग्राफ को रट रहे हो। कोई भी ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप है तो क्यों है, अपवर्ड है तो वो क्यों है, तुम्हें उसका रीज़न पता होना चाहिए। रटना नहीं होता ग्राफ्स को, रटने की ज़रूरत नहीं है। टेबल्स को भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। अपनी अजम्पशन से एग्ज़ाम में तुम्हें टेबल्स बनानी है, एक तो याद कर लो, कुछ फिगर्स हैं जो तुम याद कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है तुम हर टेबल को रटने बैठ रहे हो, हर डायग्राम को ग्राफ को तुम रटने बैठ रहे हो। ऐसा तो नहीं होगा, अगर रटोगे तो भूल जाओगे। और उसके पीछे का रीज़न तुम्हें पता होना चाहिए। डायग्राम से ही, ग्राफ से ही तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर एक्सप्लेन भी करना है और उसके पॉइंट्स लिखने हैं। फिर तुम्हें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है अगर तुमने समझ लिया। नेक्स्ट चीज आती है जो तुम्हारे बुक में इंपॉर्टेंट जितने भी रिलेशनशिप्स दे रखे हैं, जैसे कि टीसीएमसी के बीच में एक रिलेशन है, मैं क्लास ट्वेल्थ की बात कर रही हूँ, इलेवंथ वालों के भी बहुत सारे तुम्हारे रिलेशनशिप्स दिए होंगे, उनके ग्राफ तुम्हें बनाने होते हैं, टेबल्स बनानी होती है, तुम्हारा पूरा एक फुल लेंथ जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उस टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें रिलेशनशिप पूछे जाएंगे, और यहाँ से बहुत सारे वन मार्क पर भी निकल सकते हैं। तुम्हारे जितने भी रिलेशनशिप्स है तुम्हारी बुक में, माइक्रो और मैक्रो में, क्लास इलेवंथ और ट्वेल्थ, तो प्लीज़ अच्छे से कर लेना, इनको इग्नोर नहीं करना, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलना है। सबसे मेन चीज़ तो यही है, रटना भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है न्यूमेरिकल्स, और तुम्हें कुछ क्वेश्चन सोल्व करने जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होती है, वो तो तुम्हें सोल्व करनी है, लेकिन अगर तुम कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, संदीप गर्ग, टी आर जैन या फिर कोई और बुक तुम फॉलो कर रहे हो, उसमें बहुत सारे फोर्स क्वेश्चन दिए होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। देखो, इकोनॉमिक्स में ना जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये चीज़। तो मैं कहती हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी प्रैक्टिस कर लो अलग अलग की, तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा सकता है। हमें पता होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इस कॉन्सेप्ट से। तो जितने भी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स प्लीज़ इग्नोर मत करना। नेशनल इनकम से तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं, ऐसा नहीं है मुश्किल। अगर तुमने अच्छे से समझ के किया है तो नेशनल इनकम वाला चैप्टर स्पेशली, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है क्लास ट्वेल्थ में नेशनल इनकम ही लगता है, और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स का भी आ रहा है। आई थिंक तुम्हारा इस बार 10 नंबर का नेशनल इनकम आ रहा है, तो उसको अच्छे से कर लेना और उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेना।
देन जब तुम अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, या तुम टेस्ट है, या तुम्हारा हाफ ईयरली है, तुम्हारे प्री बोर्ड्स है, या तुम्हारे फाइनल बोर्ड्स है, तुम्हारी आदत होनी चाहिए कि तुम अपने आंसर को पॉइंट्स में मेंशन करोगे, तभी भी बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने का कोई फायदा नहीं होता। और अगर लिख भी रहे हो ना पैराग्राफ, तुम उसको अंडरलाइन करोगे, जो चीज़ तुम चाहते हो कि एग्जामिनर पढ़े, जो चीज़ तुम चाहते हो कि हाईलाइट हो, वैसे तो पैराग्राफ मत ही लिखा करो, पॉइंट्स में आंसर दिया करो और अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि एग्जामिनर का टाइम भी बचे और वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाए तुम्हारे पेपर को देख के। नेक्स्ट चीज़ है रिवीजन। देखो रिवीजन नहीं करोगे तो भाई सब कुछ ब्लैंक हो ही जाएगा, चाहे तुमने पूरा सिलेबस क्यों ना कर लिया हो, अगर तुमने रिवाइज नहीं किया है टाइम टू टाइम तो फिर तो कोई फ़ायदा है नहीं पूरा सिलेबस कवर करने का। अच्छे से चलो, अपनी स्पीड पे चलो और टाइम टू टाइम रिवीजन ज़रूर करते रहो। हर हफ्ते जितना भी है तुम्हारे, दो चैप्टर, एक चैप्टर, जितना भी तुम कर सकते हो उतने की रिवीजन करनी करनी है। रिवीजन के लिए तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो तो तुम बनाओगे ही, समरी नोट्स बना लेना। जो नेक्स्ट पॉइंट है समरी नोट्स का, मैंने बिजनेस स्टडीज़ में भी बताया था, इकोनॉमिक्स में भी समरी नोट्स बहुत काम आते हैं अगर तुम बनाते हो तो। ये कुछ बातें हैं, देखो प्रेजेंटेशन पे ना मैं तीनों सब्जेक्ट्स की, अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज़ की, हर सब्जेक्ट की अलग से वीडियो बनाऊंगी कि तुम्हें कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, आंसर में कैसे क्वालिटी तुम डाल सकते हो। लेकिन सिर्फ अभी मैंने तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताए जिनका ध्यान तुम्हें रखना है अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करते टाइम। तो आई होप तुम्हारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना।